नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम इस वीडियो में 2023 के अप्रैल के महीने में वृश्चिक राशि को क्या फल मिलेगा इसके बारे में जानेंगे। सामान्य ज्ञान। वृश्चिक राशि का स्वामी ग्रह मंगल होता है। वृश्चिक राशि का चिन्ह बिच्छू होता है। ये ग्रह वृश्चिक राशि के लोगों को गंभीर बनाता है, निडर, समय पर जिद्दी, तीव्र और भावुक बनाता है। वृश्चिक राशि के जातकों को कोई भी हल्के में लेने की भूल नहीं कर सकता। इन्हें अपनी शर्तों पर जाने के लिए जाना जाता है और ये अपने भाग्य को पूरी तरह से अपने वश में रखने के लिए भी जाने जाते हैं। वृश्चिक राशि के जातक बेहद संवेदनशील होते हैं और ये अपने जीवन में कुछ बड़ा जरूर हासिल करते हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों को यह महीना मिला जुला रहेगा। राहु छठे भाव में स्थित है, जिस वजह से आप सभी समस्याओं का सामना करने में सक्षम होंगे। वही राहु की यह स्थिति आपको स्वास्थ्य के मामलों में भी फिट रखेगी। केतु के 12वें स्थान में जाने से आपका मन अशांत रहेगा और आप असुरक्षित महसूस करेंगे। इस महीने बृहस्पति छठे भाव में गोचर करेंगे, जिसके चलते आपको आर्थिक जीवन में भी थोड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। आपको हर जगह सोच समझ कर पैसे खर्च करने की आवश्यकता है। चतुर्थ भाव में शनि की उपस्थिति के चलते आपको पारिवारिक जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और आप पर जिम्मेदारियां भी आ सकती है। जीवन साथी के साथ बहस व मतभेद की संभावना पैदा हो सकती है। वही करियर के मामले में भी आपको कुछ खास परिणाम मिलते नहीं नजर आ रहे हैं। अप्रैल का यह महीना आपके जीवन के लिए कैसा रहेगा और पारिवारिक करियर, स्वास्थ्य, प्रेम आदि के क्षेत्रों में आपको कैसा फल मिलेगा, यह जानने के लिए राशिफल को विस्तार से सुने। कार्य क्षेत्र। मासिक राशिफल 2023 के अनुसार वृश्चिक राशि वाले जातकों को यह महीना करियर के क्षेत्र में मिले जुले परिणाम देगा। शनि चतुर्थ भाव में स्थित है, जिस वजह से करियर के क्षेत्र में कई समस्या पैदा हो सकती है। ऐसे में आपको अपने काम में केंद्रित रहने की आवश्यकता है, वरना काम के क्षेत्र में आपको कई बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। शांत रहकर परेशानियों से बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए और ऑफिस में किसी भी तरह की गपशप करने से बचना चाहिए। यह समय परेशानी से भरा हो सकता है, जो आपके कौशल और क्षमताओं को चुनौती देगा। साथ ही आपके रास्ते में कई रुकावटें आएगी, जो आपको आत्मसंध्या में डाल सकती है और सहकर्मियों के साथ भी आपके संबंध कुछ खास नजर नहीं आ रहे हैं। आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। भावात्मक रूप से या काम पर जरूरत पड़ने पर लोगों के समर्थन जरूर लें। वही व्यावसायिक जातकों के लिए भी यह महीना कुछ खास परिणाम नहीं देता नजर आ रहा है। बृहस्पति छठे भाव में स्थित है, जिस वजह से अधिक लाभ मिलने की गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। आर्थिक स्थिति। मासिक राशिफल 2023 के अनुसार वृश्चिक राशि के जातकों को आर्थिक जीवन मिश्रित परिणाम देने वाला प्रतीत हो रहा है, यानी उन्हें लाभ और हानि दोनों का ही सामना करना पड़ेगा। केतु 12वें भाव में बृहस्पति छठे भाव में स्थित होने की वजह से आपको महसूस हो सकता है कि आपके पास जो पैसा है वह पर्याप्त नहीं है। बृहस्पति की प्रतिकूल चाल के परिणाम स्वरूप जातकों को बढ़ते खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आप पैसों की बचत करने में सक्षम नहीं रहेंगे। कुछ सामयिक व बड़े खर्च परेशान कर सकते हैं। वही शनि चतुर्थ भाव में स्थित है, जिसके चलते पारिवारिक खर्चे बढ़ सकते हैं। अगर आप व्यवसाय के क्षेत्र में हैं, तो भी यह महीना आपके लिए उचित परिणाम लेकर नहीं आएगा। ऐसे में आपको सोच समझ कर पैसे लगाने चाहिए व बचत पर ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य।
स्वास्थ्य के मामले में रुचिक राशि वाले जातकों को अच्छे परिणाम मिलेंगे। छठे भाव में राहु की उपस्थिति के कारण आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य से जुड़े परेशानियों से स्वयं को मुक्त पाएंगे। मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य आप संतुष्ट महसूस करेंगे। वही गुरु दूसरे और पांचवें भाव के स्वामी के रूप में छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि पहले से ही चतुर्थ भाव में मौजूद है, जिसके चलते आपको सुख सुविधाओं में कमी महसूस होगी। इस दौरान मंगल ग्रह की उपस्थिति भी अनुकूल स्थिति में नजर नहीं आ रही है, जिसके चलते आपको सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए। जितना हो सके तनाव की स्थिति से बचने का प्रयास करें, अच्छी आदतों का पालन करें और अपने शरीर के अनुकूल भोजन प्रवृत्ति अपनाएं। अष्टम भाव में मंगल और बारहवें भाव में केतु की उपस्थिति के चलते आपको शरीर में दर्द जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। बारहवें भाव में केतु की स्थिति की वजह से आपको नींद की समस्या हो सकती है। इस दौरान आप भरपूर नींद नहीं ले पाएंगे, जिसके चलते तनाव बढ़ सकता है। ऐसे में आपको मेडिटेशन व व्यायाम करने की सलाह दी जाती है। प्रेम व वैवाहिक जीवन। रुचिक राशि वाले जातकों को प्रेम और वैवाहिक जीवन में थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि महीने की 15 तारीख के बाद शनि आपके चतुर्थ भाव में स्थित है। ऐसे में इस समय के दौरान आपका मन व्याकुल रह सकता है। प्रेम के लिए यह समय अनुकूल नहीं है, आपको धैर्य रखने की जरूरत है। दूसरे और पांचवें भाव के स्वामी के रूप में बृहस्पति छठे भाव में स्थित है, जिसके चलते आपको प्यार में मध्यम परिणाम मिलेगी। छठे भाव में बृहस्पति की स्थिति के चलते यह समय प्रेम के लिए अनुकूल नहीं है। प्रेम के लिहाज से यह समय मुश्किलों से भरा साबित हो सकता है। ऐसे में जीवन साथी के साथ संवाद करते वक्त भाषा पर संयम रखें, वरना संबंधों में खटास आ सकती है। वही जो जातक शादी का विचार बना रहे हैं, वह इस समय के लिए टाल दें, क्योंकि यह समय शादी के लिए अनुकूल नहीं है। इस समय शादी का योग बनता नजर नहीं आ रहा है। पारिवारिक जीवन। मासिक राशि पर 2023 के मुताबिक वृश्चिक राशि के जातकों को पारिवारिक जीवन थोड़ा गड़बड़ा सकता है, क्योंकि बृहस्पति दूसरे भाव के स्वामी के रूप में छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, जिस वजह से आपको अपने ऊपर संयम रखने की जरूरत है। छोटी छोटी बात को लेकर परिवार में विवाद हो सकता है। अष्टम भाव में मंगल की उपस्थिति के चलते परिवार में असामंजस्य का कारण बन सकता है, परिवार के बीच अशांति बनी रहेगी। वही शनि भी चतुर्थ भाव में स्थित है, जिसके चलते आपको तर्क वितर्क से बचना चाहिए और छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करना चाहिए। परिवार में संवाद जारी रखना चाहिए, वरना समस्या और भी बढ़ सकती है। उपाय के तौर पर नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें, ओम गण गणपतये नमः का 108 बार जाप करें, ओम नमो नारायण नमः का 108 बार जप करें।